आप बार बार तीन चार बार आपने कहा साइंटिफिक थॉट के बारे में, बाबा जी आप एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मैं पर्सनली आपसे, मेरा कुछ नहीं है, ये सेक्शन 377 एक है हमारे देश में जिसके बारे में आपके काफी विचार है, आपने शायद बदल गए हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत से लोग इसकी वजह से सफर करते हैं। ऐसा सेक्शन है कि जो लोग गे हैं वो उनको क्रिमिनल माना जाता है, नेचर में भी ये एग्जिस्ट करता है, साइंटिफिकली बहुत जगह आ चुका है, और एटलीस्ट अगर आप कॉन्ट्रोवर्शियल तो है तो इतना डेफिनेटिव स्टैंस लेना कि ये क्रिमिनल है और ये बीमारी है और इसको आई रियली मतलब आपने इतनी चीज़ें अचीव की हैं लाइफ में, आप इस पर भी जरा थोड़ा अपना साइंस का मतलब है, आप अपना मन बदल भी सकते हो, है ना, तो अगर आप बदल लोगे तो हमारे हम आपको और मानेंगे, बिकॉज ये देखो एक बात तो मैं कहता हूँ आप हाँ। देखो चेतन भाई, मैं कभी मैंने उनको अपराधी नहीं कहा, अपराधी नहीं होना चाहिए, बस नहीं, मैं अपराधी कभी कहा नहीं उनको, बस आज इतना ही हम कर दे तो बहुत है सर। मैं आज भी बोल रहा हूँ मैं गेज को कभी अपराधी कहता ही नहीं हूँ, ये दरअसल जो है ना मेरे जो उस दिन भी आपके हमारी जो लड़ाई कराई वो टीवी वालों ने करवाई थी ये टीवी वाले ना बड़े खतरनाक होते हैं, इनसे बच के रहना कुछ कुछ मामलों में, सब में नहीं। तो मैंने कभी ये नहीं कहा कि जो है जो गे लोग होते हैं वो अपराधी होते हैं, उनमें भी बहुत से साइंटिस्ट हैं, बहुत से जजेज हैं, बहुत से कलाकार हैं, बहुत से साहित्यकार हैं, उसमें से हो सकता है बहुत से बाबा भी हो सकते हैं, बहुत से पॉलिटिशियन भी हो, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं ये कहता, मैंने जो बात रखी थी वो डिफरेंट वे में रखी थी, आज क्योंकि वो विषय नहीं है इसलिए मैं एक बात मैं साफ कर देता हूं, गे की तो बात छोड़ो, मैं तो किसी भी प्राणी के प्रति गे से तो मेरा प्रेम है ही, कि भाई उसके लिए भी जो मैंने कहा करुणा पूर्वक कहा है, मैं तो संसार के हर जीव से प्रेम करता हूं, और मैं हिंदू परिवार में पैदा हुआ हूं लेकिन मैं जितना हिंदू को प्रेम करता हूं उतना मुसलमान सिख ईसाई जैन और बुद्ध को भी करता हूं, क्योंकि मानता हूं सब एक ईश्वर की संतान है, सब एक ही जैसा आत्मा है, इसलिए मैं तो यूनिवर्सल जो लॉ है, यूनिवर्सल जो जस्टिस है, लव कंपैशन ब्रदरहुड को एग्जिस्टेंस वननेस, मैं तो इसमें मानने वाला आदमी, इसलिए कोई ये जो तमाम तरह की जो 377 बना देते हैं ना वो क्रिमिनल डीक्रिमिनलाइज। देखो मैंने कहा वो थोड़ा अलग मुद्दा हो जाएगा आज का, क्योंकि मेन मुद्दा अर्थशास्त्र का है, काम शास्त्र का नहीं है, इसलिए इसको कुछ नहीं है सर, हम तो आपसे बात कर रहे हैं, हम तो बात कर रहे हैं कि इसको डीक्रिमिनलाइज होना चाहिए, क्योंकि आपकी बहुत पावर है इस चीज में, अगर आप बोलेंगे हम सब बोलेंगे तो एक बहुत अच्छा रिफॉर्म हमारे देश में आ सकता है, क्योंकि पुलिस मिसयूज करती है इसको। नहीं देखो मिसयूज तो किसी चीज का नहीं होती, किसी गेज को अपराधी की तरह डील नहीं करना, बस आपने कह दिया बाबा जी।